देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बैसा प्रखंड मुख्यालय में पोषण मेला का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्य में चल रहे पोषण माह के तहत आयोजित किया गया। इस मेले में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। मेले का उद्घाटन प्रमुख परवेज आलम ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर BDO, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व CDPO के साथ कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। पोषण मेला में लगभग एक दर्जन स्टॉल लगाकर बच्चों के साथ किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के बारे में जानकारी दी गई। पोषण मेला लगाया गया। पोषण मेला लगाने का उद्देश्य है कि जनताओं के बीच यह मैसेज जाए कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ पोषण के लिए जानकारी का अभाव रहने से लोग घरेलू भोजन और गांव में जो उपजने वाला हरा साग सब्जी रहता है उसका सेवन नहीं करते हैं, जिससे नाना प्रकार का बीमारी और कुपोषित हो जाते हैं। खास करके छोटे बच्चे किस उम्र से खिलाना चाहिए खाना, जैसे बच्चे का 6 महीना पूर्णे के बाद माँ के दूध के साथ ठोस आहार देना चाहिए, जिसमें घर का बना हुआ जो हलवा होता है या पोरिज होता है, खिचड़ी होता है, उसको आप दे सकते हैं। बाजार का जैसे फेरेक्स हुआ या अलग पैकेट है, बंद पैकेट वाला नहीं खिलाना चाहिए। और 6 महीना से अगर जो बच्चे का बाहरी आहार नहीं देंगे तो साल दो साल के बाद बच्चा सिर्फ दूध पीने से कुपोषित हो जाता है। दूध के साथ साथ बाहरी आहार भी देना जरूरी है। यह मेला का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना, जो बच्चे से शुरू होता है। बड़ों में भी, खास करके महिलाओं में, गर्भावस्था में सारा तरह का हरा सब्जी फल वगैरह खाना चाहिए, जिसमें हम लोग तिरंगा भोजन पर जोर देते हैं। 3 रंग का झंडा होता है ना, ऊपर केसरिया रंग होता है, जिसमें पीला फल, लाल फल और अन्य तरह का फल का जो रंग होता है, वह का जितना तरह का फल गांव में मिलता है, पपीता हो, गाजर हो, जो भी है फल, टमाटर हो, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। घरेलू फल कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेब खाएँ, आपके गाँव में अमरूद मिलता है उसको खाएँ, वही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा, उजला से तात्पर्य है मिल्क प्रोडक्ट, दूध गांव में उपलब्ध होता है, दूध, अंडा, मछली आप खाएं, काफ़ी प्रोटीन मिलेगा। साथ साथ हरा जो झंडे का रंग है वह हरियाली से द्योतक है, हरा साग सब्जी आप खाएंगे तो पूरा आपको पौष्टिक विटामिन मिलेगा, पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। फिटनेस के लिए आहार बहुत ज़रूरी है। पोषण पर विशेष जोर दिया गया है कि स्वस्थ नागरिक ही देश का स्वस्थ निर्माण कर सकता है। आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, आप बढ़िया देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो सारा धन बेकार है। इसीलिए सरकार मूलभूत चीज़ जो है पोषण पर ध्यान दे रही है। यह ऐसा चीज़ है जो हर इंसान खाता है और खाना सबके घर में उपलब्ध है, उसके आंगन में है। पोषण वाटिका के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। सहजना का गाछ लगाइए, पपीता रोपिए, टमाटर बैंगन रोपिए, हरा सब्जी रोपिए और उसको खाइए, उस ज़्यादा उपयोगी होता है। आप गांव में ही पोल्ट्री फार्म रहता है, उससे अंडा मिलेगा, लोग गाय पालते हैं, दूध मिलेगा, बाहर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। दुनिया में हर इंसान यही खाता है, दूसरे देश का स्वास्थ्य ज़्यादा बढ़िया रहता है, बीमार कम पड़ते हैं। तो हम अपने इस जागरूकता अभियान के तहत लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि सिंपल अपने घर से स्टार्ट करें, देखिए पूरा आपका घर स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, बीमारी कम होगी और इसमें पूरा समृद्धि और सुखी संपन्न लोग होंगे, मानसिक विकास भी बहुत होगा। एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, बच्चे का मानसिक विकास 2 साल में होता है। हर बच्चा एक ही तरह से जन्मता है, उसका IQ ब्रेन का वही रहता है, 2 साल के अंदर में ब्रेन डेवलप करता है। 2 साल के अंदर जिस बच्चा को पोषक तत्व तो न मिलेगा, आयोडीन नहीं मिला, जिंक नहीं मिला या अन्य पदार्थ नहीं मिला, तो उसका एक बार जो डैमेज हो जाएगा जिंदगी भर के लिए बुड़बक हो जाएगा। कहता है गाँव में नहीं बकलेल्हा है, बुड़बक है, बच्चा को बुड़बक नहीं, समाज ने, घर ने उसको बुड़बक बनाया।